तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें दो टॉपिक थे, एक था वेक्टर्स एंड स्केलर्स का, दूसरा टॉपिक है कैलकुलस का। अभी जो कैलकुलस जो टॉपिक है, ये कैलकुलस होता क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन कैलकुलस के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं आते, वो मैथ्स में होता डायरेक्टली। कैलकुलस के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में आते हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी खास करके मोशन चैप्टर में। तो कैलकुलस क्या है वो समझ लेंगे, लेकिन अगेन कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। मैथ्स में 12 का 30% वेटेज कैलकुलस पे है, 30% 30% बहुत ज़्यादा वेटेज होता है वो, जिसको आप डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोलते हो। तो फिजिक्स में कैलकुलस का यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कैलकुलस क्या है। एंड रिमेम्बर, फिजिक्स के लिए अगर आपको कैलकुलस का थ्योरी नहीं भी समझा तो चलता है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने पड़ेगी। लेकिन मैं थ्योरी बताऊंगा, आप देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हो। तो अभी कैलकुलस क्या है, वहां पर जाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी के दिन में ज्यादा तुम ये नोटिस करोगे, ठंड में बारिश में इतना नहीं होता है, बट गर्मी में यू विल नोटिस अलॉट। सपोज आप घर के बाहर खड़े हो और डेफिनेटली दोपहर है तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब आपने आपका पोजीशन चेंज किया, गर्मी की वजह से आप चले गए घर के अंदर। गुड, तो ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि घर के अंदर गए तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, होता है ना ऐसा, बाहर ज्यादा टेम्परेचर है अंदर कम टेम्परेचर है, तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन। मैं इसको फिलहाल एक्स मान लेता हूँ, तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि तुमने क्या चेंज किया? पोजीशन, बराबर। तो टेम्परेचर को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टेम्परेचर क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। बाहर पोजीशन अलग था, टेम्परेचर आ था, अंदर पोजीशन अलग है, टेम्परेचर कम। मैंने क्या चेंज किया? पोजीशन। क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट, और पोजीशन क्या है? इंडिपेंडेंट। पोजीशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। तुम क्लास के बाहर खड़े रहो, सुबह 6 बजे खड़े रहो, शाम के 6 तक खड़े ही रहो, टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम में अलग, लेकिन पोजिशन चेंज हुआ नहीं, पोजिशन जो था वही है। तो पोजिशन क्या है? इंडिपेंडेंट, और टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट। ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ टाइम, होता ही है, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग। तो टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट, और टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तुम गाड़ी चला रहे हो, राइट? तुम गाड़ी का स्पीड चेंज करते रहते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ रोड, बढ़ाते हो कम करते हो, तो तुम क्या चेंज कर रहे हो? स्पीड, वेलोसिटी, राइट? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजिशन। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? क्या चेंज किया तुमने? वेलोसिटी। क्यों चेंज किया? बिकॉज ऑफ पोजिशन। तो कौन डिपेंडेंट है? वेलोसिटी। और कौन इंडिपेंडेंट है? पोजिशन। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक डिपेंडेंट है और एक क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया तुमको, पोजिशन सुबह भी वही है, शाम में भी वही है, रात में भी वही है, लेकिन क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया, होता ना ऐसा, होता है ना। हम बेसिकली टेम्परेचर का चेंज भी टाइम भी देख सकते हैं। तो टेम्परेचर इज डिपेंडेंट, टाइम इज इंडिपेंडेंट। अब ये कैलकुलस का काम कहाँ पे, पहले वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज
बाहर 45 डिग्री सेल्सियस था और मैं अंदर गया तो अंदर 30 हो गया, हो सकता है 35 30 जो भी लेना होगा वो बराबर ना। बाहर कितना था? 45 डिग्री सेल्सियस, अंदर कितना? 35। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ कि यहाँ पे 45 है, अंदर गए एकदम से 35 हुआ? ऐसा होता है? नहीं। तो क्या होता है? स्लो डिफ्यूजन होता है। 44.5, 44, 43.5, 43, 42। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैथमेटिकल या फिजिकल क्वांटिटी के स्टडी को क्या बोलते हो तुम? कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज। तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज, मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया विथ पोजिशन, टेम्परेचर का एग्जाम्पल विथ टाइम भी ले सकते हो। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे टेम्परेचर कम है क्योंकि अभी बारिश है, तो 20 डिग्री। धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी क्या होता है? चेंज होता है। ऐसा कभी नहीं होगा सुबह 6 बजे 20 था, 12 बजे तो 20 ही रहा, 12 बज के 1 मिनट में 35 हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। धीरे धीरे चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो कंटिन्यूअस चेंजिंग मैथमेटिकल या फिजिकल क्वांटिटी के स्टडी को क्या बोलते हो? कैलकुलस बोलते हो। अब कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हो तुम डिफरेंशियल कैलकुलस, एक को तुम बोलते हो इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस इज ऑफ टू टाइप्स। हमारा पहला फोकस होगा डिफरेंशियल कैलकुलस पे। कैलकुलस इज ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसके दो नाम और हैं, इसको तुम डिफरेंशियल कैलकुलस बोल दो या फिर तुम इसको डिफरेंशिएशन बोल दो या फिर तुम इसको डेरिवेटिव बोल दो, एक ही चीज है। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव सब एक ही चीज। अब डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव का मतलब क्या है हम लोग वो भी समझ लेते हैं, लेकिन समझने से पहले थोड़ा सा थ्योरी से पहले आपको मैथ्स का कुछ और बेसिक चाहिए। देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो लेकिन मैथ्स लगता है कुछ नहीं कर सकते, चाहिए तो तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। मैथ्स का फंक्शन है देखो मेरे घर पे फंक्शन था, वो फंक्शन नहीं, मैं मैथ्स के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द फंक्शन इन मैथमेटिक्स? एक्स और वाई का रिलेशन। वेरी गुड। तो बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है पता है आपको? वाई इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर मैं, और वैसे वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स कौन है? इंडिपेंडेंट। अब मैंने आपको अभी भी बताया कौन कौन डिपेंडेंट हो सकता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है, और कौन डिपेंडेंट हो सकता है? वेलोसिटी डिपेंडेंट हो सकता है, और कौन डिपेंडेंट हो सकता है? फोर्स डिपेंडेंट हो सकता है, और कौन डिपेंडेंट हो सकता है? एक्सेलरेशन भी डिपेंडेंट हो सकता है। मैं एग्जाम्पल सबका दे देता हूँ आपको। टेम्परेचर का तो मैंने अभी बता ही दिया, टेम्परेचर कैन चेंज विथ पोजिशन, टेम्परेचर कैन ऑल्सो चेंज विथ टाइम। तो जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन समथिंग एल्स, पोजिशन चेंज कर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो डिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर। किस पे? पोजिशन पे। टाइम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट कौन है? कौन डिपेंडेंट है? तुम। किस पे? मुझ पे। इसलिए ध्यान दो, डिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर। किस पे? टाइम पे। बराबर, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वेलोसिटी मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, हो सकता है गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ पोजिशन, तो वेलोसिटी क्या है? डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है विथ पोजिशन, फोर्स भी चेंज हो सकता है विद पोजिशन। चेंज ऑफ फोर्स विद पोजिशन का तो बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि फोर्स इज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी
m1 m2 बाय आर स्क्वायर, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया, फोर्स। तो डिपेंडेंट कौन है, फोर्स। इंडिपेंडेंट कौन है, पोजिशन। तो ये सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है, इंडिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है पता है, पोजिशन या फिर टाइम। तो हम लोग नॉर्मली वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट, और एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं, इंडिपेंडेंट। और वाई और एक्स मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हो फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन। तो वाई इक्वल टू एक्स ये एक टाइप का फंक्शन है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स। अगर मैं ये 1 लिखता हूँ तो ये क्या आएगा, 1। ये 2 लिखता हूँ तो क्या आएगा, 2। और जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, आपको पता होना चाहिए 0 0 मतलब कौन, ओरिजिन। 1 1 मतलब यहाँ पे आएगा, 2 2 मतलब यहाँ पे आएगा, 3 3 यहाँ पे आएगा, 4 4 यहाँ पे आएगा। तो सब सारे डॉट को कनेक्ट करोगे तो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये एक टाइप का फंक्शन है। अभी ऐसा बहुत सारे टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल था। आपको ऐसा भी मिल सकता है, यू कैन ऑल्सो हैव वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। ये दूसरा फंक्शन है। अब देखो होगा क्या है, यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या है, 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन जब मैं अब एक्स की वैल्यू 2 डालता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगी ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो एक्स की वैल्यू 2 लेकिन वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अगर मैं 3 डालता हूँ एक्स, 9, तो बढ़ गया। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे सॉरी, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो ये भी एक फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बराबर, क्लियर। वैसे बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे साइन भी फंक्शन है, वाई इक्वल टू साइन एक्स वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। वाई इक्वल टू कॉस एक्स वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, बराबर, करेक्ट। तो अभी फिलहाल क्योंकि मुझे पता है आपका फंक्शन अभी तक मैथ में हुआ नहीं है, नहीं हुआ है ना, तो अभी टेम्पररीली आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव उसके बिना समझेगा नहीं, और डेरिवेटिव नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिक्स के लिए, लेकिन मैथ में आगे प्रॉब्लम होगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला चाहिए हमको। तो अभी फंक्शन का मतलब वाई और एक्स का रिलेशन, डन। तो अभी डेरिवेटिव समझने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक फंक्शन लेना पड़ेगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई फंक्शन स्ट्रेट लाइन होता है, कोई फंक्शन ऐसा दिखता है, कोई फंक्शन वेव जैसा दिखता है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। तो जब मुझे डेरिवेटिव समझना है तो डेरिवेटिव समझने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, मैं कोई तो एक फंक्शन ले लूंगा, आई विल टेक सम फंक्शन। कोई एक फंक्शन है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वाई इक्वल टू साइन एक्स है, मुझे ये भी पता नहीं है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है क्या, मुझे भी पता नहीं है कि वाई इक्वल टू साइन एक्स है क्या, वाई इक्वल टू कॉस एक्स है कि टैन एक्स है, या फिर वाई इक्वल टू बहुत सारा टाइम हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है। तो जब हमको पता नहीं कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, याद रख लिया। तो एफ ऑफ एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, कॉट एक्स हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ उसमें एक्स होना चाहिए। हमको पता था कि एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, तो हमने क्या लिखा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो लिखा है मैंने, अगर ये y इक्वल टू एक्स हुआ तो क्या मिलेगा, नहीं, अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ तो क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अगर ये y इक्वल टू एक्स क्यूब हुआ तो, अगर ये y इक्वल टू एक्स क्यूब हुआ तो थोड़ा और अलग दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, गुड। तो अब जब मुझे पता ही नहीं है कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली है क्या, तो मैं काम करता हूँ, मैं ऐसा एक कर्व ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, बराबर। पता होता अगर वाई इक्वल टू एक्स ऐसा पता होता तो क्या ड्रॉ करते, स्ट्रेट लाइन, पता है क्या हमको, नहीं। तो मैंने एक जनरल कर्व ले लिया,
हमको ये क्यों करना है, क्योंकि हमको सिर्फ डेरिवेटिव समझना है इसके लिए। यहाँ तक क्लियर? तो होपफुली आपको यहाँ तक, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या पता होना चाहिए। पता है व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? अ वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन सम अदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स। और इंडिपेंडेंट क्या ये पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल, बराबर। जैसे कि पोजिशन एंड टाइम, वेरी गुड। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लिखते कैसे हो उसको, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और हमने टेम्परली, फिलहाल हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो ऐसा दिखता है, ऐसा एक कर्व है। हमको डेरिवेटिव क्या है वो समझना है, उसके लिए हमने इमेजिन किया। और ये डेरिवेटिव का थ्योरी ना, ये हॉलीवुड की मूवी जैसा है, आखिरी में समझ में आता है अच्छा ऐसा है। तो फिलहाल से सुनते जाओ। तो एक काम करो, अब यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कोई भी दो पॉइंट ले लो। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू है वो है x0, और बी पे जो है वो है x0 प्लस डेल्टा x। अभी देखो ये ना, x0 x0 प्लस डेल्टा x, ये टेक्स्ट बुक के लिखने के तरीके होते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सपोज एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, और ये कितनी है, 2.1। अब तुम इस वैल्यू को x1 भी बोल सकते हो, और इसको तुम क्या बोल सकते हो, x2। लेकिन मैथ्स में क्या करते हैं ना, इसको बोल देते हैं x0 x0, और इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x0 प्लस डेल्टा x। अब इन्होंने किया क्या, 2 को क्या बोल दिया, x0, और 2.1 को क्या बोल दिया, x0 प्लस डेल्टा x। ऐसा क्यों, क्योंकि 2.1 को उन्होंने क्या लिखा, 2 प्लस 0.1। लेकिन 2 कौन था, x0, और 0.1 क्या है, छोटा वैल्यू है। छोटे वैल्यू को फिजिक्स में क्या लिखते हो, डेल्टा एक्स। तो क्या लिखा, x0 प्लस डेल्टा x। अभी ये मैथ्स की भाषा ही ऐसी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे प्रोग्रामिंग की भाषा होती है, अपनी भी एक भाषा है, वैसे मैथ्स की भाषा है। तो ऐसे लिखते हो उसमें, तो ऐसा ही समझ लो। तो डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है स्मॉल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे x0 कितना था, 2। डेल्टा एक्स कितना है, 0.1। तो 0.1 स्मॉल है ना, 0.1 स्मॉल है ना। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स, स्मॉल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, बराबर। मतलब जब मैंने एक्स की वैल्यू यहां से यहां लाई, पॉइंट को मैं यहां से यहां लाया, तो कितने से वैल्यू बढ़ गया, डेल्टा एक्स। बस इतना पता होना चाहिए। अब मैं सिर्फ इस लाइन को ना यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, बस सिंपल, बराबर। सही है, लेकिन एक्स डिपेंडेंट था कि इंडिपेंडेंट था? एक्स कौन था, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन था, वाई। जैसे पोजीशन क्या है, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट। तो जैसे मैंने पोजीशन चेंज की तो टेम्परेचर चेंज हुआ था, राइट, करेक्ट। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, यस। तो हुआ ना, यहाँ पे तुमने जैसे ही एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से क्या ले ली, x0 प्लस डेल्टा x। ए पॉइंट कहाँ चला गया, बी पे। कहाँ पे आ गया, बी पे। तो फिर यहाँ पे जो ए पे जो वाई की वैल्यू थी और जो बी पे वाई की वैल्यू है वो सेम है क्या, नहीं सेम है, नहीं है ना सेम, बराबर ना। तो हमने किसको चेंज किया था, इंडिपेंडेंट को। चेंज कौन हो गया, डिपेंडेंट। ए पॉइंट पे एक काम करते हैं, ए पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू है इसको बोल देता हूँ मैं वाई नॉट, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं वाई ऑफ एक्स नॉट, तुम्हारी मर्जी है जैसा लिखना है। और बी पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, या इसी को लिखते हैं वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में एक्स की वैल्यू कितने से चेंज हुई, डेल्टा एक्स, और वाई की कितनी चेंज हो गई, डेल्टा वाई। वेरी गुड, बस यही यही पता होना चाहिए, डन। तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा वाई, बराबर, गुड। अब इस पे वापस आते हैं, एक छोटा सा मैं और चीज बताऊं। मेरे पास एक सर्कल है, मैं सर्कल के इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, इस लाइन को क्या बोलते हो, कॉर्ड। वेरी गुड। अब मेरे पास सर्कल पूरा नहीं है, सिर्फ एक कर्व है, इस लाइन को क्या बोलते हो,
नहीं, आर्क तो कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हो? बॉर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन उसका स्पेशल नाम भी है सेकेंड। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हो? सेकेंड बोलते हो तुम। क्या बोलते हो इसको? सेकेंड बोलते हो। वेरी गुड गुड। यही यही। हाँ सेकेंड सेकेंड नॉट सेकंड, सेकंड टाइम होता है। ओके डिपेंड करता है कि तुम कौन से इंग्लिश में बात कर रहे हो। जाने दो, छोड़ दो, अभी इंग्लिश के क्लासेस नहीं है यहाँ पे। तो वी फोकस ऑन दिस मैथ्स फॉर द टाइम बीइंग। अब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर लेता स्ट्रेट लाइन से, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है? क्या है? सेकेंड है कि थर्ड है? सेकेंड है ना, बराबर, पक्का, सही है। अब ये जो एंगल बना, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा। क्या बोल देंगे? थीटा। और अगर मैं टैन थीटा लेता हूँ, टैन थीटा, व्हाट इज टैन? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा का अपोजिट कौन है और एडजेसेंट कौन है? डेल्टा एक्स। ओके, लेकिन तुमको याद है क्या स्लोप मतलब क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये डेल्टा वाई वही तो है। क्या है ये? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको तुमने क्या बोला? क्या है ये? स्लोप। तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब कौन है? स्लोप है। क्या है ये? स्लोप। किसका स्लोप है? ए बी लाइन का। और ए बी लाइन क्या है? सेकेंड है, बराबर। यहाँ तो समझ में आया। हमने मैं थोड़ा सा बैकलैश में जाता हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, वापस से लिंक कर लो। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। हमने दो एक्सिस लिए, हमने ना बाय डिफॉल्ट फिक्स करके रखा है एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल प्लॉट होगा? इंडिपेंडेंट। वाई पे कौन प्लॉट होगा? इंडिपेंडेंट। फिर हमारे पास वाई और एक्स का एक रिलेशन, इसको क्या बोलते हो? फंक्शन। हमको पता ही नहीं फंक्शन कैसा दिखता है, तो मैंने डमी ले लिया। डमी मतलब एक अंदाजा ले लिया। तो मैंने एक अंदाजा ले लिया कि ऐसा दिखता है। और इस ग्राफ पे, इस पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, ए ए की एक्स वैल्यू क्या थी? एक्स जीरो। और बी ले लिया, बी पे एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स। तो ये कितना आ गया? डेल्टा एक्स। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो डिपेंडेंट को तो चेंज होना ही पड़ेगा। ये क्या आ गया? वाई वाई जीरो। और बी पे क्या आ गया? वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई, बराबर, करेक्ट। तो ए से बी जाने में वाई की वैल्यू कितने से चेंज हो गई? डेल्टा वाई। और फिर मैं ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ, और ये एंगल ले लेता हूँ थीटा। व्हाट इज टैन थीटा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन डेल्टा वाई मतलब वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा एक्स मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन वो तो क्या बन गया? स्लोप। लेकिन ये स्लोप किसका है? सेकेंड का है। ए बी ये स्ट्रेट लाइन का है, ए बी स्ट्रेट लाइन क्या है? सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? पक्का? गुड। थ्योरी बरी नहीं लिखेंगे, सब नोट्स में है वो। अब अगर मैं इमेजिन इमेजिन इस बी पॉइंट को मैं ए के पास में लाते जाता हूँ, अगर हम इसको ए के पास में लेके आते हैं तो क्या होगा? अगर मैं इसको ए के पास में लेके आता हूँ तो सेकंड क्या हो रहा है? छोटा छोटा होते जा रहा है। सेकंड छोटा होने के साथ साथ उसका स्लोप भी कम हो रहा है। पता ना आपको इस लाइन का स्लोप क्या होता है? इंफिनिटी। क्या होता है? इंफिनिटी। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप इज इंफिनिटी, एंड अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो। ऐसा क्यों हुआ? पता है आपको? पता है ऐसा क्यों हुआ? नहीं पता है कि नहीं? नहीं पता तो नहीं बोलो, बता दूंगा क्या फर्क पड़ता है। नहीं? ओके कोई बात नहीं, चलो आ जाओ फिर वापस से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्लोप के लिए मुझे दो पॉइंट लगने वाले हैं, तो मैं दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी दो पॉइंट नाम दे दो। अब अगर आप नोटिस करोगे, ए और बी दोनों पॉइंट्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? सेम है। तो एक्स वन इक्वल टू क्या है? एक्स टू। वाई की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। स्लोप कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो बताओ? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन एक्स वन और एक्स टू क्या है? सेम है। तो डिनोमिनेटर क्या बन गया? जीरो। व्हाट इज वन अपॉन जीरो? जीरो।
इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या आता है? इन्फिनिटी। अगर कोई भी लाइन, सॉरी, वाई एक्सिस को पैरेलल हो, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप इज इन्फिनिटी। और अगर आपके पास ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को, अब दो पॉइंट लो, एक पॉइंट लो ए, दूसरा लो बी। अब मेरे को बताओ एक्स वन और एक्स टू सेम है क्या यहाँ पे? नहीं। लेकिन वाई वन और वाई टू सेम है क्या? यस। तो अब बताओ न्यूमरेटर जीरो होगा कि डिनोमेटर जीरो होगा? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जीरो तो नंबर क्या? जीरो। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस इंफिनिटी। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जीरो। सही है। तो जैसे जैसे लाइन वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा तो स्लोप कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी से कहाँ जा रही है? जीरो पे जा रही है। सही बात, पक्का समझ में आ गया? तो अगर ये समझ में आ गया तो अब आप आगे समझा देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये भी। अब जब मैंने इस बी पॉइंट को कहाँ लाया था? ए के पास में लाया था। तो सेकेंड क्या हो गया? छोटा हो गया। सेकेंड छोटा होने के साथ साथ स्लोप भी क्या हो गया? कम हो गया। हुआ कि नहीं? पक्का। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस बी पॉइंट को ए पॉइंट के पास में लाते जाता हूँ, लाते जाता हूँ, लाते जाता हूँ, लाते जाता हूँ, और एक स्टेज ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि बी और ए क्या कर जाएंगे? ओवरलैप। क्या करेंगे? ओवरलैप। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ग्राफ था, हमारे पास एक ग्राफ था, यहाँ पे एक पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट था बी। उस बी पॉइंट को ए के इतने पास में लाया कि दोनों लगभग क्या हो गए? ओवरलैप। लगभग, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली क्या हो गए? ओवरलैप। क्या हो गए? ओवरलैप। सही बात है, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। पहले ए और बी को ज्वाइन कर रहे थे तो क्या बन रहा था? सेकेंड। अब तुम ए और बी को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? टेंजेंट। क्या बनेगा? टेंजेंट। वेरी गुड। तो अभी उसी टेन थीटा को जो तुमने डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स लिखा था, इसी टेन थीटा को आप अभी लिखोगे, इसी टेन थीटा को आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा वाई मतलब वाई के दो वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा होता है, डेल्टा एक्स मतलब एक्स के दो वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा होता है। लेकिन जब तुम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो तो डी वाई मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ वाई, और डी एक्स मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्स। बराबर। ऊपर क्या था? स्लोप था। किसका स्लोप था? सेकेंड का। ये क्या है? स्लोप है। किसका स्लोप है? टेंजेंट का। इस टेंजेंट के स्लोप को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आ गया। तो डेरिवेटिव किसको बोलते हो? स्लोप को बोलते हो। कब बोलते हो? जब ए और बी पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड थे। ऑलमोस्ट मतलब सेकंड क्या बन गया? टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बराबर। तो हमने ग्राफ लिया था, दो पॉइंट लिए थे, ए बी। ए के लिए एक्स की वैल्यू एक्स जीरो थी, बी के लिए एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स थी, तो वैल्यू का डिफरेंस कितना था? डेल्टा एक्स। वाई का डिफरेंस कितना था? डेल्टा वाई। ए बी पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दिया सेकेंड, इसका स्लोप क्या आया? डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स। फिर बी पॉइंट को ए के पास में लाते गए। कब तक लाते गए? जब तक दोनों ऑलमोस्ट क्या नहीं हो गए? ओवरलैप। वहां पे सेकेंड क्या बन गया? टेंजेंट। अब टेंजेंट के स्लोप को क्या बोला हमने? डी वाई बाई डी एक्स। और वो डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोला है तुमने? डेरेवेटिव। क्या बोला है? डेरेवेटिव। किसका डेरेवेटिव? वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है उसका थ्योरी। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है बताता हूँ तुमको। मैं तुमको अभी बोला कि ये हॉलीवुड के पिक्चर जैसा है, आखिरी में समझ में आता कि बोलना क्या है इसको। पता नहीं क्या थ्री इडियट का डायलॉग, अरे बोलना क्या चाहते हो? तो मैथ्स का प्रॉब्लम रहता है वो, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग बाहर खड़े थे, 45 डिग्री टेम्परेचर था, मान लो वो मेरा ओरिजिन है, जीरो है, मैं डिस्टेंस वहां से मेजर कर रहा हूँ।
मैं 5 मीटर 5 मीटर मैं चल के गया, और उस 5 मीटर में टेम्परेचर 45 से हो गया 35। कितना हो गया? 35। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 10। कितने मीटर में? तो 1 मीटर में कितना है? 2। तुमने क्या किया? डिवाइड किया। किसको? चेंज इन टेम्परेचर डीटी। इधर तुम डीटी को क्या बोल रहे थे? डीवाई। और किससे? डीएक्स। मतलब तुमने क्या चेंज फाइंड किया कि 1 मीटर में कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ, राइट? उसको बोलते हो डेरिवेटिव। हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुम यहां से निकले नासिक जाने के लिए, लगभग 2 घंटे लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, बराबर सही है? तुम्हारा यहां पे वेलोसिटी है 0 और वहां भी है 0। पहुंचने के बाद तो रुक जाओगे ना। 120 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसा मान लो, एक्चुअली 120 है नहीं, 150 है। 2 घंटे लग गए, व्हाट इज योर वेलोसिटी? व्हाट इज स्पीड? कैसे फाइंड करते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 120। टाइम कितना लगा? तो स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। ये तुम एवरेज बता रहे हो, क्योंकि तुम निकले, बीच में कहीं रुके भी होंगे, पेट्रोल भरना है, नाश्ता करना है, कहीं पे 100 पे भी दौड़ाई होगी गाड़ी। तो तुमने क्या बताया? एवरेज। किसी ने पूछ लिया, अच्छा तुम 6 बजे निकले थे, 8 बजे पहुंचे, 7:03 पे बताओ स्पीड कितना था। तो ये क्या हो गया? वो क्या पूछ रहे तुमसे? एग्जैक्टली 1 सेकेंड में कितना स्पीड चेंज हुआ? तो वो किससे देते हो तुम? डेरिवेटिव से। एग्जैक्टली 1 मीटर में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? एग्जैक्टली 1 सेकेंड में कितना स्पीड चेंज हुआ? एग्जैक्टली 1 मीटर में कितना फोर्स चेंज हुआ? एग्जैक्टली 1 सेकेंड में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? एग्जैक्टली 1 सेकेंड में कितना स्पीड चेंज हुआ? एग्जैक्टली 1 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ? उसके लिए क्या यूज करते हो? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब क्या है कि जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है वो क्या बोलते हो? डेरिवेटिव। तो व्हाट इज डेरिवेटिव? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम नॉर्मली किस ग्राउंड करते हैं? वाई। और इंडिपेंडेंट को एक्स। तो चेंज को कैसे लिखोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। और रीड कैसे करोगे? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस इतना तुमको पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव जब सुनोगे तो पहला वर्ड दिमाग में आना चाहिए चेंज। किसका चेंज? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट तुम किससे नोट करते हो? वाई से। और ये कौन कौन हो सकता है? टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। इंडिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है? पोजिशन एंड टाइम। वेरी गुड। इसके ऊपर तुमको थ्योरी पता होने की जरूरत नहीं है, इसके बाद तुमको सिर्फ चाहिए प्रॉपर्टीज और डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शंस। तो डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव के 5 प्रॉपर्टी आपको लगने वाले हैं। फिजिक्स में डेरिवेटिव के प्रॉपर्टी 5 से बहुत ज्यादा है। हमको फिजिक्स में कितने चाहिए? सिर्फ 5 मैक्सिमम। तो हम वो 5 ही देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखो ऐसा है, एक काम करते हैं। सपोज मैंने तुमको अभी भी बताया वाई इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन हो सकता है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दूसरा हो सकता है। वाई इक्वल टू मे बी एक्स क्यूब, या फिर साइन एक्स, या फिर एक्स साइन एक्स, ये तीसरा हो सकता है। तो मैं पहले फंक्शन को बोलूंगा एफ वन ऑफ एक्स, और दूसरे को क्या बोलूंगा मैं? एफ टू ऑफ एक्स। मैं दोनों को एफ ऑफ एक्स नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। सेम है क्या दोनों? अरे इधर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। मैं छोड़ सकता था ये, जाओ जाओ मैथ्स मत सीखूंगी। चलो क्या वैसा फिर? अरे समझेगा नहीं फिजिक्स आगे, वो दिक्कत इसके लिए तो है ना, प्रॉब्लम यहीं पे है। फिजिक्स समझ में नहीं आता, क्यों समझ में आएगा? तुम तो मैथ्स ही नहीं पता, तो क्या करेंगे? उसके बिना नहीं होता फिजिक्स। तो अगर मेरे पास दो फंक्शन है, दोनों सेम नहीं है,
अब तुम दोनों सेम हो गया, नहीं हो ना, तुम आपको सेम नाम दे दूं मैं ना, दो चलेगा? नहीं ना, तो इधर भी दो फंक्शन है जो सेम नहीं है, तो दोनों को अलग अलग नाम देंगे। तो एक काम करेंगे, लेट एफ वन ऑफ एक्स एंड एफ टू ऑफ एक्स बी एनी टू फंक्शंस एंड एंड एस बी अ कॉन्स्टेंट, जैसे कि नंबर कोई भी नंबर, 2 क्या है कॉन्स्टेंट है, 5 क्या है कॉन्स्टेंट है, 10 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो एस क्या है एनी कॉन्स्टेंट, तो एस इज अ कॉन्स्टेंट। रूल नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, जब तुम डेरिवेटिव, वैसे मैंने तुमको बताया था डेरिवेटिव का मतलब क्या, चेंज। अब जिस चीज में चेंज नहीं होता उसमें चेंज कितना है? हाँ, जीरो है। जो चीज चेंज ही नहीं हो रही है, तो व्हाट इज द चेंज इन दैट क्वांटिटी? जीरो। एस क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का भी सुना है चेंज होता है? नहीं होता ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होगा? जीरो, पहला प्रॉपर्टी। जिसमें चेंज नहीं है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इस रूम को मैं अच्छे से बंद कर देता हूँ, एसी चालू करता हूँ, 25 डिग्री टेम्परेचर कर देता हूँ इसका, तो व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर? जीरो। व्हाट विल बी चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम? जीरो, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया। गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी का एक्सेलरेटर मैंने अटका दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटर को अटकाना? स्पीड चेंज होगा क्या अभी? नहीं। तो व्हाट इज चेंज इन स्पीड? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज कितना होता है? जीरो। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? जीरो। रूल नंबर 2, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो मुझे लेना है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव के बाहर, तो क्या आएगा? कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। रूल नंबर 1 क्या था? सिर्फ कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव जीरो। रूल नंबर 2 क्या है? कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, तो कांस्टेंट कहाँ पे? बाहर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं एफ वन एक्स और एफ टू एक्स, और मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, और मैं दोनों के एडिशन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो रूल नंबर 3 है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। मतलब तुम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो और दोनों को ऐड कर दो, बराबर। रूल नंबर 4, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। मतलब दोनों फंक्शन से क्या है? मल्टीप्लीकेशन। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब तुमको मैंने रूल नंबर 2 बताया था, क्या है रूल नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2? डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब ये क्यों बता रहा हूँ? जब तुम्हारे पास दो फंक्शन है ना, उसका प्रोडक्ट लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, तो एक काम करना, पहले फंक्शन को कॉन्स्टेंट मान लेना। मान लो पहले फंक्शन को कॉन्स्टेंट मान लिया, कॉन्स्टेंट कहाँ जाता है? डेरिवेटिव के बाहर। वेरी गुड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? एफ वन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ टू एक्स प्लस। अब एक काम करो, अब दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट कहाँ जाता है? बाहर। तो क्या लिखोगे? एफ टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स। तो ये रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एज इट इज मतलब कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको मैथ में यू इंटू वी रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू इंटू वी रूल, क्योंकि वहां पे एफ वन एफ टू नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं? यू वी। तो बताओ तो रूल क्या? यू इंटू वी मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यू इंटू वी रूल बताओ तो क्या आएगा रूल? यू डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए? इसको यू इंटू वी रूल बोलते हैं।
या इसको शॉर्टकट में लिखने का और एक तरीका है, ये डी एक्स डी एक्स बराबर कौन लिखेगा, तो क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ यू इन टू वी डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, यू डी वी प्लस वी डी यू, यू डी वी प्लस वी डी यू, ये हो गया आपका चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब तो फॉर्मूला ही है याद रखना है। अब प्रोडक्ट हो गया, अब डिवीजन देख लो, तो इसको मैं बोलता हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लो, कौन है डिनोमिनेटर, कौन है एफ टू एक्स, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, कौन है न्यूमरेटर में एफ वन एक्स, माइनस पहले तुमने क्या किया था प्लस, अभी क्या करोगे माइनस, पहले टर्म में तुमने किसको कांस्टेंट रखा है डिनोमिनेटर को, डेरिवेटिव किसका लिया है न्यूमरेटर, अभी उल्टा कर लो बताओ, न्यूमरेटर कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ टू एक्स डिनोमिनेटर अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये रूल है, इसको मैथ्स में यू अपॉन वी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू अपॉन वी रूल। इसका डेरिवेटिव जब लोगे तो बताओ क्या करोगे, डिनोमिनेटर कांस्टेंट मतलब वी एज इट इज, डी यू माइनस माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, ये 30% है मैथ्स के बारहवीं में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मिला के, तो अगर मैथ्स में पता है तो तुमको कम से कम 21 मार्क्स मिल गए, कम से कम बोल रहा हूँ मैथ्स में बारहवीं में। ओके गुड, तो ये याद रखो ये पांच प्रॉपर्टी है। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। प्रॉपर्टी नंबर टू, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, एडिशन रूल था, एडिशन रूल, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ टू एक्स। प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ टू प्लस एफ टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ वन। लास्ट प्रॉपर्टी, एफ वन अपॉन एफ टू, एफ टू डेरिवेटिव ऑफ एफ वन माइनस एफ वन डेरिवेटिव ऑफ एफ टू अपॉन एफ टू का स्क्वायर, एफ टू का स्क्वायर, बराबर। अब तक हमने कहीं पे भी फंक्शन का फॉर्म लिया ही नहीं, हमने क्या बोला बी एनी टू फंक्शंस, तो ये साइन है कॉस है टैन है कॉट है एक्स रेस टू 5 है एक्स रेस टू 4 है लॉग एक्स है, मुझे नहीं पता, अगर पता हो, अगर तुमको बता दिया मैंने कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स रेस टू एन, तो उसका डेरिवेटिव क्या वो पता होना चाहिए, उसके रूल्स हैं, हम उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। तो डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शंस, सबसे पहला अगर मेरे पास एक्स रेस टू एन है और मुझे मतलब मेरा फंक्शन क्या है एक्स रेस टू एन, मतलब वाई इक्वल टू क्या है एक्स रेस टू एन, और मुझे अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो वाई क्या है, वाई क्या है एक्स रेस टू एन, मैं डेरिवेटिव को कैसे लिखता हूँ डी वाई बाय डी एक्स, मतलब मैं क्या ले रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या है एक्स रेस टू एन, तो रूल ये बोलता है एक्स रेस टू एन है ना, तो एन को पहले लिख लो एक्स रेस टू एन माइनस वन कर लो, बन गया फॉर्मूला, तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू थ्री, एन एन पहले तो कंपेयर करो
एन की वैल्यू क्या है? थ्री। फिर वो फॉर्मूला में डालो, 3 × x^2 3 − 1 मतलब कितना? 2। तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x^5? 5 × x^4। वेरी गुड। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x^6? 6 × x^5। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 × 5? फाइव 3 × x^4। हाँ तो अभी ध्यान दो, यहाँ पे जहाँ जाओगे अटक। क्यों? क्योंकि जो मैंने नोट्स में दिया है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, थोड़े ना बराबर नहीं। भाई अजून 6 मिनट आए आपल्याकडे। चलो ध्यान ध्यान दो, वो क्या है ना, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है। एक्चुअल फॉर्मूला आपके 11th के बुक में दिया ही नहीं होता, और मैं जानबूझ के देता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं लिखने को लगा था याद रहे इसके लिए। हमने x^n लिया, हमने सोचा ही नहीं 3 × n आ गया तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला चेंज होता है, और ये समझ लेना अच्छे से। फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ये है f(x)n, इसका डेरिवेटिव ये आएगा n, जैसे वहां था n, और f(x)n − 1। इसके बाद थोड़ा सा चेंज है, इसके बाद साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है डेरिवेटिव ऑफ f(x) को। तो f(x)n का डेरिवेटिव चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, n × f(x)n − 1 into derivative of f(x). अब मेरे को बताओ, अब मेरे को तुम बताओगे, आप लोग ही बताओगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 × 5। पहले तो घाई मत करना, आइडेंटिफाई करो n की वैल्यू क्या है और f(x) क्या है। n कितना है? 5। चलो n क्या आ गया? 5। और f(x) क्या आ गया? 3 × 3x। सोच के बताओ, 3x कितना है? 3x। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या था, क्या था फॉर्मूला? n, n व्हाट इज n? 5। वेरी गुड। हाँ f(x) मतलब कौन है? 3x। 3x रेस टू, हाँ 5 − 1 मतलब 4, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). व्हाट इज f(x)? 3x। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 3x^4। अभी तुम वापस से जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। क्या था प्रॉपर्टी नंबर 2? डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन इज कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x निकालते वक्त कौन कॉन्स्टेंट है? 3x निकालते वक्त कांस्टेंट कौन है? नंबर कांस्टेंट होता है, तो नंबर कौन है? 3। तो कांस्टेंट कौन है, तो बाहर कौन जाएगा? 3। तो 3 आ गया बाहर, तो क्या आया? dx/dx, लेकिन dx/dx क्या हो जाएगा? कैंसल। तो 5 × 3 क्या बन गया? 15। हो गया डेरिवेटिव सॉल्व। आ गया ध्यान में? बराबर। अब हाँ, हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ याद रखने के लिए। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डेरिवेटिव ऑफ x^n, वो यहीं से आता है। करके देखो, कंपेयर करो n और n, सही है? f(x) कौन बन गया? x। फॉर्मूला क्या बोलता है तुमको? n, ठीक है। f(x) व्हाट इज f(x) हियर? x, x^n − 1 इंटू डेरेवेटिव ऑफ f(x). लेकिन f(x) कौन था? x। तो क्या हो गया? कैंसल। इसके लिए तो हमने लिखा नहीं ना, हमने क्या लिखा बुक में देखो,
एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या लिखा है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। एक्चुअली डीएक्स बाय डीएक्स होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, कैंसल। क्लियर यहाँ तक? गुड। बाकी के फिर फंक्शंस हम लोग कल करेंगे। कंडीशन है ये पांच प्रॉपर्टीज और ये एक, देख के आओ। थ्योरी तुम देखो मत देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कल देख के आने हैं।